क्या आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है और आपको आइडिया भी नहीं हुआ, तो अब उस वेट को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, या अगर आपने उसको रिड्यूस करना है अपने पोस्टपार्टम वेट को, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, इसको जानने के लिए पूरी वीडियो लाजमी देखिए। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मरहम का चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब गुंदल। मैं डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, इसीलिए मेरे पास बहुत ज़्यादा मरीज़ आती हैं जो आके कहती हैं कि उन्होंने प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, अब वो क्या करें, या प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन उन्हें करना चाहिए। आज हम इन्हीं दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कितनी ज़्यादा कैलोरीज खानी चाहिए या क्या करना चाहिए। जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। जैसे कि मैंने बात की प्रेगनेंसी की, प्रेगनेंसी में हम पहले दिन से ही ये बात करते हैं कि आपने अपनी कैलोरीज जो है, जो आपका नॉर्मल कैलोरी इनटेक है, आपने उसी को लेके चलना है। प्लीज़ इस मिथ को छोड़ दें कि मैं दो लोगों का खाना खा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। हर इंसान कह रहा होता है मैं दो लोगों का खाना खा रही हूँ, मैं दो लोगों का। प्लीज़ ये नहीं करना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी आपके पहले 3 महीने जो हैं, उसमें आपको कोई कैलोरी सरप्लस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी नॉर्मल रूटीन कैलोरीज जो हैं वो 1800 हैं, तो आपने 1800 पे ही रहना है। अब अगर मैं बात करूँ उन 1800 कैलोरीज में आपने लेना क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस इम्पॉर्टेंस में ये है कि आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अपना फाइबर इनटेक, यानी आपने हेल्दी सैलड्स जो हैं आपके, वो कंज्यूम करने हैं। आप फ्रेश सैलड्स बिल्कुल ले सकते हैं, आप फ्रेश जूसेस ले सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, जो भी सीजन में फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप वो लाजमी तौर पे लें। अब यहाँ पे एक गलती जो लड़कियाँ भी करती हैं और आजकल माएँ भी करती हैं, जिसकी वजह से मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं, वो ये है कि पहले ट्राइमेस्टर में लड़कियों को बहुत ज़्यादा मतली हो रही होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी, कई लोगों को तो वॉमिटिंग हो रही होती है। तो प्लीज़ देसी घी और इस तरह की जो हैवी चीज़ें हैं वो उनको इंट्रोड्यूस ना कराई जाए। जो उनको पसंद है हेल्दी ऑप्शंस में से, वो लाजमी तौर पे डेली बेसिस पे ऑप्ट करें। अपना ऑलमोस्ट 500 to 600 स्टेप्स जो है वो वॉक करें और ख़ुद को चलता फिरता रखें। अब बहुत सारे केसेस यहाँ पे वो होंगे जो कहेंगी कि हमें डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है। लिसन टू योर गायनोकोलॉजिस्ट, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड बेड रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन बेड पे लेटी रहें और कुछ भी ना करें। नहीं, आप उठ के हल्की फुल्की चहल कदमी जो है वो लाजमी तौर पे करती रहें, क्योंकि अगर एक दफ़ा आपके मसल्स ने ये देख लिया कि हमने स्टिफ होना है, रिलैक्स रहना है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अब अगर मैं बात करूँ सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी आपके जो है वो 3rd to 6th month की, इसमें भी ऑलमोस्ट हमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने 1800 की बात की, तो अब आप मैक्सिमम 2000 तक जा सकती हैं, लेकिन हाँ, इस ट्राइमेस्टर में आप थोड़ा बहुत देसी घी, पंजीरियाँ और ये चीज़ें इंक्लूड कर सकती हैं, लेकिन अपनी हेल्थ को देखते हुए। अगर आपका वेट नॉर्मली जब आपने कंसीव किया था उस टाइम पे 50 था, तो आपके डिलीवरी के टाइम तक 12 kgs मैक्सिमम जो है वो वेट गेन होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आप कर रही हैं, तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपने वो पोस्टपार्टम वेट जो है वो लॉस भी करना है। बेबी की ग्रोथ, फीटल ग्रोथ हेल्दी जो होती है वो मैक्सिमम 12 kgs में हो जाती है। इसीलिए आप कोशिश करें कि आपने 50 से मैक्सिमम 62 पे जाना है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो आप 65 यानी 15 किलो या 18 किलो पे जा सकती हैं। इससे ज़्यादा अगर आप जा रही हैं, डेली बेसिस पे वॉक करें, एक्सरसाइज करें, कैफीन का इंटेक बहुत कम कर दें और हेल्दी एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ जो आपके दिमाग को जो है वो हेल्दी रखें, अच्छे कामों में रहें और हेल्दी सोच की तरफ जाएं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर प्रेग्नेंट लेडीज़ जो मेरे पास आती हैं 7th-8th month में, वो आके यही कंप्लेन कर रही होती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। वो एंजाइटी डिप्रेशन आपको सिर्फ इसी वजह से होता है कि आप जो है वो कुरान पाक नहीं पढ़ रही होती, आप जो है वो अल्लाह ताला को याद नहीं कर रही होती। ये नो डाउट बहुत एक एंजाइटी का टाइम होता है, लेकिन अगर आप अच्छे कामों में पॉजिटिव साइड पर रहें तो आप हेल्दी रह सकती हैं। लास्ट
लास्ट ट्राइमेस्टर यानी जो 3 महीने हैं आखिरी 6 से 9, ये कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, सबसे मुश्किल भी होते हैं। इसमें आप अपनी कैलोरीज को इंक्रीज कर सकते हैं मैक्सिमम 600 तक, यानी 1800 था तो आप मैक्सिमम 2400 कैलोरीज तक जाएं तो आप बिल्कुल हेल्दी वेट लॉस वेट गेन जो है वो कर रहे हैं अपना प्रेगनेंसी में। आप जो है सूप्स का कंज्यूम कर सकते हैं, आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, आप रॉ वेजिटेबल्स खा सकते हैं ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो आप पेन से बचे रहेंगे। और जब आप फ्रीक्वेंट फ्लूइड्स लेते हैं, सबसे जो चीज़ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी वो होगा ABC जूस, आप लाजमी लें। ABC जूस क्या है, आपने एप्पल, बीटरूट और कैरेट ये जूस लाजमी लें, आपका बेबी बहुत हेल्दी होगा। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि फेस पे छाइयाँ आने लग गई हैं, बुढ़ापा आने लग गया है, प्रेगनेंसी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही आप ABC जूस लेंगी, आप इंटरनली भी हेल्दी रहेंगी, एक्सटर्नली भी। आप अपनी वॉक लाजमी तौर पे, जैसे मैंने कहा 600 to 1000 स्टेप्स आपने लाजमी जो है वो डेली बेसिस पे लेने हैं। और अगर आपको आपकी गायनोकोलॉजिस्ट ने रेस्ट करने का नहीं कहा तो आप ऑलमोस्ट 3 to 4000 स्टेप्स तक वॉक ज़रूर करें ताकि आपका वेट जो है वो एक्सेस में ना बढ़े। और आपने जो वेट मैक्सिमम बढ़ाना है वो 18 कैलोरीज है ताकि आप उसके बाद इसको लॉस करके अपनी हेल्थ में रह सकें, अपने बेबी का ख्याल रख सकें और उसके साथ वो लाइफ एंजॉय कर सकें जो वो डिज़र्व करता है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको कोई भी क्यूरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हों, इंटरैक्टिव लगी हों और आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या मेरे साथ फिज़िकल ऑनलाइन जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप marham.pk के थ्रू बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।